हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से फुल एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्टर का निकाल दिया गया है, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। बिहार की वैकेंसी अच्छी खासी है, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन कहाँ पर दिया गया। तो सबसे पहले आप लोग का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं या व्हाट्सअप टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर तो पुराने वाले एडवर्टाइजमेंट आईटीआई वाले स्टूडेंट का ही दिया गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर नीचे जाना, इसी में ही ऐड कर दिया। तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आईटीआई वाले के लिए भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर पुराना वाला जो हो चुका है तो नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए, जब तक यहाँ पर ख़त्म ना हो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोग क्या है, स्टार्ट है। यहाँ से देखो यहाँ से स्टार्ट है आप लोग का, तो यहाँ से आप लोग को देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर मशीनिस्ट के लिए है, सब चीज़ यहाँ पर दिया गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग का देखिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर दिया गया, अलग अलग यहाँ पर वेल्डर प्लम्बर सब का दिया है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर जो है, और इलेक्ट्रिकल का, इस पर क्लिक करके हम लोग एडवर्टाइजमेंट को रीड करेंगे और समझेंगे, बाकी अपना देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग का खुल जाएगा। खुलने के बाद आप लोग का यहाँ पर इस टाइप का रहेगा, देखिए यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है, देख सकते हो, आराम से यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वायरमैन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल से किए हो ब्रांचेस से, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई आप लोग का आज से स्टार्ट है और अगला महीना 18 तारीख तक डेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है, यहाँ पर ब्रांचेज यानी पद का नाम बता दिए हैं। वेतन आप लोग का बात करें तो वेतन आप लोग का लेवल 6 का रहेगा, यानी 93,000 से लेकर 34,800 रहेगा। ग्रेड पे आप लोग का 4200 है, बहुत ही अच्छा पेमेंट है। यहाँ पर योग्यता की बात करें, यानी इनिशियल क्वालिफिकेशन आप लोग का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 वर्ष का आप लोग का, अगर आप लोग बीटेक की हो या बीटेक की हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ में आप लोग का अनुभव भी होना चाहिए 1 साल का। अगर 1 साल का अनुभव है, इसमें राज्य सरकार या भारत सरकार के से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्था से संबंधित क्षेत्र में काम करने का, या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण के रूप में 1 ईयर यानी कि इंस्ट्रक्टर का जो होता है, यानी कि उसके अंदर आप लोग का 1 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ में आप लोग यहाँ पर प्रशिक्षण का आप लोग का CITS भी होना चाहिए, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप लोग का यहाँ पर आप लोग का क्या होना चाहिए, BA BTEC होना चाहिए, एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, फिर CITS होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए आप लोग का होना चाहिए 3 ईयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आप लोग का अनुभव यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और CTIs होना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में समझा दिए। आगे चलिए, यहाँ पर दिया है, आगे हम लोग देख सकते हैं। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग का दिया गया है अलग अलग पोस्ट कैटेगरी वाइज, तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन का आप लोग का जनरल का आप लोग का 71 है, आर्थिक ERWS का कितना 18 है ना, और महिला लोग का भी अलग से दे दिया गया है, तो इसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जो कि पोस्ट अच्छी खासी है, टोटल 135 लगभग है ना, नहीं सॉरी 138 पोस्ट यहाँ पर, एक मिनट, हाँ 138 पोस्ट आप लोग का है इलेक्ट्रीशियन में, ठीक है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वैकेंसी निकाला गया। आप बात करें यहाँ पर कि आप लोग का आयु सीमा क्या होगा, तो 1/8/2022 से आप लोग का आयु को यहाँ पर जोड़ा जाएगा, और यहाँ पर 21 साल आप लोग का अधिकतम उम्र सीमा होगा, ठीक है ना। तो 21 साल हो गया तो आप लोग का अप्लाई कर सकते हैं, और अनारक्षित के लिए 37 ईयर, अनारक्षित महिला के लिए 40 ईयर रहेगा, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अत्यंत जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 ईयर रहेगा। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बाकी यहाँ पर दिया गया तो ये चीज़ देख लीजिएगा। नीचे आने के बाद चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली, ये भी चीज़ देख लेंगे। चयन प्रक्रिया यानी कि यहाँ पर आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला, तो सिलेक्शन प्रोसेस प्रथम चरण होगा जिसमें लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वनिष्ठी प्राकृतिक में बहुविकल्पी यानी मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोग का 2 घंटा दिया गया, क्या दिया जाएगा 2 घंटे, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। परीक्षा में पाठ्यक्रम क्या होगा, जिससे 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन आप लोग का क्या होगा, कार्य क्षेत्र यानी कि आप लोग का टेक्निकल फील्ड का ही रहेगा। 20 प्रश्न जो रहेंगे वो सिर्फ आप लोग का हिंदी और अंग्रेजी भाषा के होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बाकी यहाँ पर आप लोग का दिया गया है जिसमें कार्य क्षेत्र ज्ञान 80 जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें अंतर्गत डिप्लोमा और आप लोग का
यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा हेतु निर्धारित रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसी के वेबसाइट पर आप लोग का उपलब्ध भी है, अलग से प्रकाशित किया जाएगा, मतलब उसका सिलेबस, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आप लोग का यहाँ पर। बाकी आप लोग का शेष 20% का भी आप लोग का यहाँ पर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आप लोग का यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एग्जाम, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आप लोग का रहेगा, जिसमें आप लोग 0.25 मार्किंग यानी 4 पर 1 गलत आप लोग का होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सब में, ठीक है। बाकी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, लिखित परीक्षा के अंगों का 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा, यानी कि लिखित परीक्षा जो होगी उसका 50% ही आप लोग का यहाँ पर अंक जोड़ा जाएगा। साथ में डिप्लोमा प्रमाण पत्र का जो होगा वो आप लोग का 20% यहाँ पर जोड़ा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद CIT जिसके पास होगा उसको 30% जोड़ा जाएगा। उसके बाद आप लोग का सिम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजन का प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में पहले से जो काम कर रहे हैं, यानी कि पहले से इंस्ट्रक्टर के सुविधा पे काम कर रहे हैं, वो को 25% दिया जाएगा, यानी टोटल 125 उसके हिसाब से आप लोग का रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी कोई दिक्कत होता भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। और यहाँ पर फीस जो एप्लीकेशन लगने वाला वो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 600 रुपया दिया जाएगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 150 रुपया फीस आप लोग का लगने वाला है। अनुरक्षित अनुरक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार के लिए आप लोग का 150 रुपया, और अब राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे अदर कैटेगरी के जिसको कहा जाता है वो आप लोग का 600 रुपया दिया जाएगा, ठीक है, लिया जाएगा, ठीक। तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी आप लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग जाके अप्लाई कर लीजिएगा। आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।